हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब सारे के सारे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो नया दिन, नए वीडियो। तो भाई आज के मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि भाई आप दुबई में कम पढ़े लिखे हैं ना, तो आप अच्छे पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बना रहे हो, कोई ऐसी जो लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर बात करते हैं कि यार काफ़ी टाइम से मेरे को कमेंट आ रहे थे कि टैक्सी के बारे में कि यार हम लोग टैक्सी में आना है और हम मैंने टेंथ किया हुआ। तो देखो यार, आप लोगों ने अगर जो टेंथ किया हो ना, टैक्सी में आते हैं तो आप अपना स्टार्टअप बहुत अच्छा ले सकते हैं, लेकिन उसकी मैं टर्म्स एंड कंडीशन में बताऊंगा, ठीक है ना। पूरा देखना वीडियो को। तो अगर जो आप लोग कम पढ़े लिखे हैं, टैक्सी में आना चाहते हैं, तो उसका क्या मतलब कैसे आए, ठीक है ना। मतलब आपने ये तो बता दें कि भाई टैक्सी की जॉब, लेकिन आए कैसे कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे का मतलब ये है कि यार अगर जो हम लोग टेंथ, क्योंकि उसकी जो अगर जो आप टैक्सी में आना चाहते हैं तो मिनिमम आपने टेंथ किया हुआ होना चाहिए, और इंडिया, पाकिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश, आप कहीं से भी हैं इंडिया में, तो आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, ठीक है ना। वो होना ही चाहिए उसमें, मतलब बोलते हैं ना कि एंट्री करने के लिए वो चीज़ होना ही चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट होगा तो आप आएंगे, और आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होना पड़ेगा, होगा तो आपको इंटरव्यू लेंगे, उससे पहले आपका इंटरव्यू भी नहीं लेंगे। अब आ जाते हैं कि भाई हम लोग लाइसेंस हो गया हमारे पास में, हम लोगों ने तेरी प्लेन जा रहा है यार मेरा गला सूख रहा है, तो मैं कुछ चाय का, तो अब बहुत ज़्यादा गर्मी है यार अभी, तो कुछ नींबू पानी वगैरह ले लेते हैं और फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई ये चेक करो, मस्त है यार। अब आ जाते हैं कि भाई जॉब कैसे लें। तो भाई देखो, सीन ऐसा है इधर पे जो दुबई में जो टैक्सी कंपनीज होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करती है, वो आपकी कंट्रीज़ में जाती हैं इंडिया में, ठीक है, वो इंटरव्यू लेती हैं। इधर पे अगर जो आप विजिट पे आते हो, इधर पे भी सेम क्राइटेरिया है। इधर पे आ जाओ, जिनका कोई रिलेशन वाला है, कोई जान पहचान वाला है, इधर पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं टैक्सी के, आप ट्रैक जा सकते हो उनसे, और बस पढ़ना लिखना थोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। एक छोटा सा वो एग्ज़ाम लेते हैं जिसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं बस, ठीक है ना। वो आप अगर जो पास करते हैं तो आपको वो लोग जब उसी टाइम पे आपको वीज़ा के लिए वो रख लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और चार्जेस भी लेते हैं वो लोग कुछ, ठीक है ना। वीज़े के कुछ चार्जेस लेते हैं, वो मुझे नहीं पता भाई कितने लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन आई थिंक थोड़े ही होंगे, मतलब इंडिया का 30-40 हज़ार रुपये होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। बाकी जो हमारी कंट्रीज़ में कंपनी जाती है वो थोड़ा ज़्यादा चार्जेस कर लेती हैं, यहाँ पे थोड़ा कम करते हैं। तो भाई नींबू पानी बहुत ज़रूरी है गर्मी में पीना, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और पानी की भी पूर्ति करता है। ये बड़ा गिलास है, 2 ड्रम का देते हैं, छोटा गिलास 1 ड्रम का देते हैं, रख देते हैं, वीडियो पे आ जाता है सीधा कि अभी दुबई में आना है टैक्सी की जॉब में, आपके पास लाइसेंस भी हो गया आपने, या तो आप इंडिया में इंटरव्यू दे दो, उधर पे पैसे भी अच्छे खासे लेते हैं, लेकिन उधर पे डायरेक्ट वर्क परमिट जाते हैं डायरेक्ट वर्क परमिट जाते हैं। यहाँ पे आते हैं आप विजिट पे, यहाँ पे रिक्स होता है, आप इंटरव्यू में पास होंगे तो आपको वीज़ा दे देंगे, लेकिन फिर भी इधर पर बात करके कि भाई वैकेंसी चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी जैसे टैक्सी की जॉब में वैकेंसी चल रहा है, क्योंकि एक मेरी साइड का बंदा है, मतलब भाई समझो, मेरे दोस्त का भाई है छोटा, अभी उसका लाइसेंस आया, लेकिन इस काम के लिए भाई आपको 1 साल फ्री बैठना पड़ेगा इधर पे, लाइसेंस ये वो बहुत सारा इसमें रूल एंड रेगुलेशन होता है, मतलब 1 साल तक आपको काम नहीं मिलेगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, आपका RTA परमिट होगा, उसमें 8 महीने भी लग जाता है, 9 महीने भी लग जाता है। जितनी जल्दी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाएंगे, ठीक है ना, वो कंपनी आपसे कुछ थोड़ा चार्जेस करती है, थोड़ा आपका वीज़े में मतलब जब आप जॉब करते हैं उसके बाद आपका लाइसेंस से काटती है पैसा, क्योंकि लाइसेंस में आप लोगों को पता है इधर पे पैसा देना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी कंपनी पैसा दे देती है। चलो वो एक अलग मैटर हो गया, ठीक है ना, लेकिन उसके लिए भी आपके पास जो मैंने बताया, देखो आपने टैक्सी की जॉब में आना है, आपके पास 10 किया हुआ होना चाहिए आपने, उसके बाद आपके पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आप किसी भी एजेंट के थ्रू इंडिया से, ठीक है ना, आ सकते हो उससे, भाई मुझे टैक्सी की जॉब में जाना है, इधर 3-4 काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, जो मेन 3-4 हैं, ठीक है, नाम मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, जैसे DTC है दुबई,
दुबई की टैक्सी, जिसके बारे में मतलब मुझे पता है। और दुबई में अगर जो आते हो इधर पे थोड़े पैसे कम लग जाते हैं लेकिन विजिट वीज़ा पे, लेकिन यहाँ पे रिक्स होता है। अगर जो आपके जान पहचान वाला बंदा है, जैसे मेरा वो बंदा था, ठीक है ना, तो मैंने उसको लगवाया था तो थोड़ा इजी हो गया था। मतलब मैंने पहले पता किया, मतलब आपका कोई जान पहचान वाला है तो पहले पता कर लो, तो आपके पैसे थोड़े कम लग जाएंगे। बस थोड़ा आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। मतलब आपके सामने कुछ लिखा हुआ है वो आपको पढ़ना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारा सीन है भाई टैक्सी के जॉब में, और अच्छा है आपके पास, क्योंकि आप लोगों ने पता है इधर पे इतने गर्मी होता है, तो वो एक बहुत अच्छी जॉब लग भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी जॉब है। और रिस्पेक्ट भी अच्छी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, आप दूसरी जॉब में मूव हो सकते हो। आपने पूरी ज़िंदगी इधर पे दिहाड़ी नहीं करना, कंस्ट्रक्शन लाइन में बसों में धक्के नहीं खाना। तो जो बंदे मेरी वीडियो दुबई में देखते हैं तो उनको पता है भाई बसों के धक्के कैसे होते हैं। कंपनी वाले सुबह 4-4 बजे उठ के भाई बसों में बैठना पड़ता है इधर, ठीक है ना, और फिर शाम को उसी बस में बैठ के आना पड़ता है। तो भाई वो सब लाइफ से आप स्टार्टिंग, आपका जो स्टार्टअप होगा बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। और जब भी मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि यार मैं वीडियो डेली बनाऊंगा तो नहीं बनती यार, और मेरी तबीयत अभी बहुत बेहतर है, ठीक है ना। तो लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक वीडियो आती रहे। तो आप लोगों का काम है यार चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। एक गाँव का बंदा हूँ तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, ठीक है ना। 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं अभी तक, लेकिन आप थोड़े ढीले पड़ गए, मतलब मैं तो ढीला पड़ा हूँ वीडियो बनाने में, आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करने में ढीले पड़ गए यार। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और जिस टॉपिक पे आपने वीडियो देखना है उस टॉपिक को आप कमेंट करके बता सकते हो, कुमार भाई आप इस टॉपिक पे, इस जॉब पे, इस चीज़ को दुबई में दिखा सकते हो कि आने से पहले, या आपने देखना हो वैसे भी, ठीक है ना। तो आपके पास आइडिया हो जाता है आने से पहले, ठीक है ना। तो यही सारा सीन था भाई। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, अपना ध्यान रखे, अपनी फैमिली का ध्यान रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करता करो तो बहुत सारी बातें। तो भाई जितने बंदे भी कमेंट कर रहे थे कि भाई कुमार भाई टैक्सी की जॉब के बारे में बताया, तो भाई मैंने अगर जो अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, वैसे मैंने डीपली से बता दिया, ठीक है, कैसे कैसे करके आप आ सकते हैं, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कितना एजुकेशन होती है। पैसे का भाई मेरे को पक्का आइडिया नहीं है कितने वो चार्जेस लेते हैं, लेकिन इतना पता है लेते हैं भाई, ठीक है ना। फ्री में नहीं देते हैं, क्योंकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कंपनी बना के देती है, जो आपने अपने पैसों से बनाना पड़ता है, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी कंपनी दे देती है, ठीक है ना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।